हेलो बच्चों, क्लास 11th में खेल व शारीरिक शिक्षा में आपकी बुक चल रही है अभिषेक प्रकाशन की। इसे सब लोग बच्चे खरीद लीजिए। सारे बच्चे आई होप मुझे लगता है खरीद लेंगे, क्योंकि उनका पेपर होना है और उनके 3 चैप्टर आने हैं बच्चों। ये पुंडीर जी की, उपाध्याय जी की, वालिया जी की, पुंडीर जी की, उपाध्याय जी की, वालिया जी की और आलम जी की पुस्तक है अभिषेक प्रकाशन। तो आप सब लोगों ने बच्चों ले ली होगी। इसके 3 चैप्टर आपको करने हैं, नैतिकता के मूल तत्व, परिवार तथा समाज और नागरिकता का अर्थ व कर्तव्य। बच्चों एक्सरसाइज में से नहीं आएगा और ये चैप्टर के अंदर से सवाल आएंगे, तो इसलिए आपको पूरा चैप्टर अच्छे से तैयार करना होगा। जितना हो सक रहा है मैं आपको वीडियो में बता दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे लेट पता चला और आप लोग को भी लेट पता चला है कि फिजिकल एजुकेशन का पेपर होगा। खैर चिंता की कोई बात नहीं है, चैप्टर बुक खरीद के चैप्टर अच्छे से कर लेना बच्चों। और इस फर्स्ट चैप्टर के नैतिकता के मूल कर्तव्य के 2 या 3 पार्ट, 4 या 5 पार्ट पढ़ा दिए थे और आगे का पार्ट कंटिन्यू है। इसे अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए आइए आज हम अहिंसा से शुरुआत करते हैं, अहिंसा का पाठ पढ़ते हैं। अहिंसा का अर्थ हिंसा न करना, अर्थात किसी भी जीव या प्राणी को न मारना ही अहिंसा है। विशेष शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि किसी भी जीव या प्राणी के साथ कोई ऐसा शब्द वचन ना बोले जिससे उसका दिल दुखे, हृदय दुखे या उसके मन को कष्ट पहुंचे, क्योंकि किसी के दिल को दुखाना भी अहिंसा, दिल को दुखाना भी, किसी के दिल का दुखना भी अहिंसा से संबंधित है। अहिंसा का अर्थ दूसरे जीवों से नहीं बल्कि स्वयं से भी जोड़ना चाहिए। अपने स्वयं जीव की हिंसा का अर्थ है विष खाकर या किसी अन्य पदार्थ से आत्महत्या करना। आत्महत्या करना कहलाता है। हमें हमारे जीवन में संघर्ष करना चाहिए। आत्महिंसा का वास्तविक अर्थ है अपने अंदर रोग, द्वेष, मोह को उत्पन्न होना। ये सब व्याधियां हैं, शरीर के गलत दोष हैं ये, तो ये उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए। आंतरिक हिंसा बाहरी हिंसा का मूल है। आंतरिक हिंसा बाहरी हिंसा का मूल आता है। सभी धर्मों में आंतरिक हिंसा ही प्रमुख हिंसा होती है। अहिंसा वीरों का धर्म आभूषण है, ना कि कायरता। यह दुर्बलता का प्रतीक नहीं बल्कि सबलता का सूचक है। मनोबल हीनता यात्रियों के अन्याय को सहन करना, प्रतिकार या प्रतिरोध ना करना हिंसा नहीं है। अहिंसा के लिए त्याग तथा संयम, आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ, लोभ, लालच के मिश्रित व्यवहार नहीं करने चाहिए। लालच मिश्रित मधुर वचन पर पीड़ा निवारण अहिंसा का सोपान है। सोपान मीन्स बच्चों सीढ़ी। अहिंसा सक्रिय प्रेम का सोपान है। व्यवहारिक रूप से तथा परम शूरों का अस्त्र है बुराई के बदले भलाई करना। बैरी को बैर से नहीं, धैर्य सहानुभूति से गलती से मुक्त करने की भावना अहिंसा से ही आती है। सामान्यतः सत्य बात ही गलत दिखाई देती है। अहिंसा के स्वरूप को भली भांति समझकर ही कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को सदैव हिंसा से दूर रहना चाहिए। हिंसा मुख्यतः 3 प्रकार की बताई गई है। कृत, स्वयं की गई, कारित, दूसरों से कराई गई और अनुमोदित, समर्थित। इसमें किसी प्रकार की हिंसा करना या अपने प्रति हिंसा या आत्मघात करना शामिल होता है। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप लोगों से आशा है कि आप अच्छे से तैयार करेंगे फिजिकल एजुकेशन को भी, और दूसरे सब्जेक्टों की तरह ही, सब्जेक्ट की तरह ही पढ़ेंगे। और क्योंकि इसका पेपर होगा बच्चों, तो अच्छे से बार बार कहा है मैंने हर वीडियो में कि 3 चैप्टर तैयार कर लेना, 3 चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन आएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम्स। ओके बच्चों।